जिंदगी खुद आईना है अपनी नजरों का, निगाहें खुद से जो मिला सको तो चलो, तुम ढूंढ रहे हो अंधेरों में रोशनी, खुद रोशन कर सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, किसी को छाव दे सको तो चलो, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं ख्वाब से तुम भी बहल सको तो चलो। वो कहते हैं ना, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस उसे दिखने का नजरिया हसीन होना चाहिए। वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज विशाल अंतवाल एंड माय चैनल इज बेस्ड ऑन ट्रेवल व्लॉग्स, मोटर व्लॉग्स एंड माय लाइफस्टाइल। ये कैंप देखकर आपको लग रहा होगा मैं भी ऋषिकेश में हूँ, लेकिन अभी मैं हूँ घोसला नेचर कैंप में, जो कि सारी उखी मठ में है, और मैं जा रहा हूँ आज देवरिया ताल एक्सप्लोर करने। जी हाँ, मैं देवरिया ताल पहले भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, जिसके बारे में मैं भी आपको अपनी जर्नी में बताऊंगा, और एक और बार मैं यहाँ का ब्लॉग शूट करने आया हूँ। दो साल पहले विशाल और मैं देवरिया ताल एक्सप्लोर करने गए थे, और इस साल भी VAV फैमिली को मैं ही गाइड कर रहा हूँ। पता है, इन दो सालों में बहुत कुछ बदल गया। शाम के 4 बज गए, ये लोकेशन बहुत प्यारी है, कैंप अंदर से बहुत सुंदर है। ये सब मैं आपको रात को दिखाऊंगा, क्योंकि अभी 1.5 घंटे का ट्रैक बाकी है, हम ट्रैक करके वापस आ जाएंगे, उसके बाद मैं ये लोकेशन को अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। तो यहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है 2.3 किलोमीटर का। सच बताओ 100 मीटर भी अभी कवर नहीं किया है और मैं थक गया हूं। और पता है क्या, इन दो सालों में और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बदली, और वो है इन पहाड़ों के लिए मेरा प्यार। गाइस, मैं हूं मयंक सेमवाल और विशाल मेरा छोटा भाई है। 2019 में विशाल ने तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक किया था। वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, चोपता चंद्रशिला ट्रैक। दुनिया देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, हालत अभी से खराब हो गई है, आप सुन सकते हैं मेरी सांसें, लेकिन ये ट्रैक करके रहेंगे। ये यहाँ का शिव मंदिर है, और यहाँ माथा टेकने से ऊपर ट्रैक करने की पावर मिल जाती है। ये पावर भगवान जी मुझे भी दे, बिहाइंड द सीन से मुझे दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि VAV इज ऑल अबाउट द रियल एक्सपीरियंस। लेट्स कैरी ऑन। चलो यार, वरना अंधेरा ऐसे ही हो जाएगा। जैकेट हटा दो भाई, बहुत गर्मी हो रही है यार। नहीं, जैकेट तो नहीं हटा सकते, क्योंकि हवा बहुत ठंडी है, और हाई अल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, ठंडी हवा के कारण टेम्परेचर डाउन जा सकता है। जैसे ही आपको लग रहा है कि ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, टेक अ स्टैंडिंग रेस्ट, उसके बाद आपको थोड़ी देर में अपने आप ही लगेगा कि बॉडी रिलैक्स्ड है। मयंक भाई, जहां हम जा रहे हैं उस जगह को देवरिया ताल कहते हैं या देवरिया ताल? इट्स देवरिया ताल, क्योंकि जब भी हम ऊपर आ रहे थे ना, तो वहां पे जो एंट्री गेट था वहां पे भी देवरिया ताल लिखा था, लेकिन आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो देवरिया ताल भी आएगा और देवरिया ताल भी आएगा। इट मींस देवों का ताल। बिल्कुल,
तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सेंटर पॉइंट पे, जितना अभी तक ट्रैक करके आए हैं उतना ही और है। ठीक है, आई एम फीलिंग बेटर, क्योंकि देखो ना लॉकडाउन में घर में बैठने की आदत हो गई थी, इसीलिए चलने की आदत तक हमारी छूट गई थी। तो फाइनली हमने चलना स्टार्ट किया, और वो भी एकदम से पहाड़ पे, तो थोड़ी तो हालत खराब होगी ना। अच्छा, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि यहाँ पे ऐसे बियर की बोतल पड़ी हुई है, और रास्ते में भी मैंने देखा बहुत सारा कचरा था। मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला था, और जहाँ भी मैं व्लॉग करता हूँ ट्रैवल के, ट्रैकिंग के, तो मैं यही बोलता हूँ कि यार कूड़ा मत फैलाओ। ये सब करके ना पता है क्या होगा, हम लोग अपनी संस्कृति, अपना नाम खराब करते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे डस्टबिन है, अभी नीचे भी डस्टबिन था 100 मीटर नीचे पे, इसे वहाँ फेंक दीजिए। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, करिए, लेकिन अपने कूड़े को डस्टबिन में डालिए। मयंक भाई, ऐसे तो मैं अंधेरा हो जाएगा ऊपर जाते हुए, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? शॉर्टकट है, ये है, और ये भी देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर रास्ता है जो आप लोगों की सारे टूरिस्ट की सहूलियत के लिए बनाए। और हर बार शॉर्टकट लेना सही नहीं होता, क्योंकि शॉर्टकट कट शॉर्ट योर लाइफ। हमेशा एक बात याद रखना, शॉर्टकट कट शॉर्ट योर लाइफ। ये जो भाई ने डायलॉग बोला ना, शॉर्टकट कट शॉर्ट योर लाइफ, ये बोलने के लिए हमने 5-6 रीटेक लिए है, हमारे 10 मिनट यहीं पे वेस्ट हो गए। तो चलो इस सफर को कंटिन्यू करते हैं। जितने भी लोग ट्रैक पे आते हैं या आने का सोचते हैं, उनके मन में एक ही सवाल रहता है कि जब हम इतने घनघोर जंगल में आते हैं तो क्या यहाँ पे जंगली जानवरों का डर रहता है? ह्यूमन एक्टिविटी के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, लोकल भी चलते रहते हैं, तो कभी भी अटैक नहीं हुआ है। अटैक नहीं हुआ मतलब कहना चाहता हूँ कि बगल से शेर जाएगा लेकिन झपटेगा नहीं, ऐसा कुछ कहना चाहता हूँ? ऐसा भी नहीं है, वो लोग आपको देखने ही नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब हमें नहीं दिखेंगे इतनी आसानी से? बिल्कुल ठीक है, मतलब हम सेफ है, आप आ सकते हैं। बिल्कुल सेफ है, हम यहाँ पे जो है फॉरेस्ट की एक चौकी भी बनी है। अच्छा, इनकेस अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी, वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी, कुछ वाइल्ड एनिमल एक्टिविटी होती है तो वो इन्फॉर्म कर देते हैं। ओके, फिर तो सही है। शॉर्टकट कट शॉर्ट योर लाइफ, और भाई अभी खुद शॉर्टकट लेते हुए देख लो, ये शॉर्टकट है और ये प्रॉपर रास्ता यहाँ से जा रहा है। तेरे लिए ही ले रहा हूँ मैं शॉर्टकट, तू चल तो पा नहीं रहा है और कह रहा है शॉर्टकट कट चल रहा है। फिर से रीटेक लेना पड़ेगा क्या इसका? भाई ये लाइन ना हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी, शॉर्टकट कट शॉर्ट योर लाइफ, क्योंकि ये रीटेक 12 बार ले चुके हैं हम। यार एक्चुअली मैं थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हूँ, थैंक गॉड कॉन्शियस, मैंने याद दिला दिया, वरना कैमरा फिर कहता रीटेक। अच्छा गाइज, आप बताओ, आपको नहीं लगता कि ये आंख है पेड़ की और ये उसकी बॉडी? आप ध्यान से देखिए, लग रहा है ना? व्लॉगिंग एसेसरीज के साथ साथ मैंने खाने पीने का सामान भी रखा था, लाइक एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि हमें लगा था कि जब तक हम ऊपर पहुंचेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा, शॉप्स बंद हो जाएंगी, लेकिन हम टाइम से पहले पहुंच गए और शॉप्स भी खुली हुई थी, फिर भी हमने यहां से चॉकलेट खरीदी। अब इसका रीज़न बताएंगे मयंक। इससे क्या होता है कि जो लोकल हैं जिन्होंने दुकानें खोली हैं उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, बिल्कुल। उन्हें लगता है कि टूरिस्ट आते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है, उन्हें आपको भी थोड़ा नॉलेज मिलता है जगह के बारे में, आप पूछ सकते हैं क्या है क्या नहीं है, और थोड़ा उनको आप इकोनॉमिकली भी हेल्प करते हैं। और देखिए, जैसे हमारा शरीर है वैसे यहाँ के गाँव का लोगों का भी शरीर है, उन्हें भी एनर्जी चाहिए होती है, वो भी यहाँ के लोग भी बहुत बूढ़े हैं, जिनसे हमने चॉकलेट ली उनकी एज 70+ होगी। अब यहाँ क्या होता है कि MRP से ज़्यादा प्राइस में आपको चीज़ें मिलती है, अब बहुत लोग इस चीज़ पे गुस्सा हो जाता है कि हम MRP से ज़्यादा पे क्यों करें। आप देखिए ना, चाहे खच्चर हो, घोड़े हो, इंसान हो, ये लोग जो सामान ला रहे हैं अपनी मेहनत से ला रहे हैं, इन्हें भी थकान लगती है, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें इनका पैसा मिलना चाहिए एक्स्ट्रा? बिल्कुल मिलना चाहिए मेरे मन से। अगर 10 रुपीज़ की चॉकलेट 15 की दे रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपको ऐसी जगह पे चॉकलेट तो मिल रही है एटलीस्ट। अगर सोचो आपके पास 1000 रुपए यहाँ पे शॉप ने, तो क्या करोगे इन पैसों का? 1.5 किलोमीटर वो पैदल उसे कैरी करके ला रहे हैं, पोर्टर उसे कैरी करके ला रहे हैं, म्यूल्स उसे कैरी करके ला रहे हैं, तो उनको भी खाना चाहिए, उनको भी इनकम चाहिए। हम रेस्टोरेंट होटल में टिप देते हैं, पर यहाँ हम MRP पे लड़ जाते हैं, तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इधर अभी हवा बहुत तेज चल रही है। अच्छा, मैं कैप लेकर आया हूँ अपने साथ, फैशन बाद में करेंगे, पहले सर्दी से बचेंगे। चलो भाई, पहुँचने वाले हम लोग। ये दिल बिन बताए मुझे ले चला कहीं, जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल वही। कहते हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, लेकिन यहाँ मंजिल की बात ही कुछ और थी। पता है, जन्नत किसी जगह का नाम नहीं है, जन्नत एहसास में है। किसी और की वजह से अपनी लाइफ को इफेक्ट मत होने देना। लाइफ इज ब्यूटीफुल गाइस। ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं,
हमें गैरों से कोई भी गिला नहीं, सारी की यादें सारी रहेंगी जब तक ये जिंदगी जारी रहेगी। तो कल जब मैं देहरादून से इधर के लिए आ रहा था तो मैंने रात का टेम्परेचर चेक करा था, देवरिया ताल को जो रात का टेम्परेचर था 2 AM का, वो था -3 degrees। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ गाइस, हवा बहुत तेज चलने लगी है, ठंड बहुत बढ़ चुकी है, मैंने जैकेट की चेन लगा दी है। ये पानी में आपको लग रहा होगा कि पन्नी होगी व्हाइट कलर की, लेकिन ये पन्नी नहीं, ये बर्फ है। ये देखिए, ये बर्फ जम गई है, पानी इतना ठंडा है कि कांच जैसी बर्फ पकड़ भी नहीं पा रहे, अगर पकड़ भी नहीं पा रहे, और अगर ये किसी के हाथ पे फेंक दी, किसी पे फेंक दी तो ये पता है चाकू जितनी शार्प हो रही है, बहुत ज्यादा शार्प है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ठंड है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं देवरिया ताल, बहुत सुंदर जगह है, जितनी बार यहाँ आओ ये नजारा कुछ अलग दिखाता है, उतना कम है। सच में अगर मेरे पास ऑप्शन होता मयंक कि गोवा बीच या माउंटेन्स, आई विल प्रेफर माउंटेन्स यार, मतलब नो डाउट बीच भी सुंदर होते हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, और मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है, और उसका रीजन ये है। यहाँ पे आके ना हम लोग वो बन जाते हैं जो हम दिल से हैं, जो हम अंदर से हैं, बाहर की दुनिया के सामने हम चाहे कितना भी दिखावा कर ले, हम अंदर से कुछ और होते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने आप को बदलना मत किसी के लिए, जो आप हो ना आप बहुत खास हो, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि परख से परे है ये खासियत हमारी, हम उन्हीं के लिए हैं जो समझे कदर हमारी, जहाँ हमारी कदर नहीं वहाँ हमारी जगह नहीं, इसीलिए अपनी जगह खुद बनाइए। आप लोग यहाँ पे प्राइस भी चेक कर सकते हैं, एंट्री फीस इंडियन के लिए 150, फॉरेनर्स के लिए 600। तो डियर वीवी फैमिली, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो जो कूड़ा होगा ना उसे प्लीज डस्टबिन में डालना, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे डस्टबिन है, तो प्लीज जब भी आओ यहाँ पे जो भी खाओ पियो कूड़ा हमेशा डस्टबिन में, ठीक है। देखिए वैसे मैं बोलता तो हूँ कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, जिंदगी बहुत हसीन है, लेकिन हाँ मैं इतना भी जानता हूँ कि हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हमारी प्रॉब्लम लाइक मेरी प्रॉब्लम किसी के लिए छोटी हो सकती है, किसी के लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन बीच में मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी बन चुकी थी, इसलिए मुझे एक ब्रेक चाहिए था, इसलिए मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे अपने साथ ले चल ट्रैक पे। तो उधर इसका कैंपिंग साइट है जहाँ मैं रुका हूँ, वो मयंक भाई का कैंपिंग साइट है, अभी वापस वहाँ जाएंगे, मैं वहाँ का व्लॉग शूट करूँगा, और इधर आके सच में मेरा माइंड बहुत फ्रेश हो गया, बहुत नेगेटिव अंदर आ गई थी, और जब आप ऐसी जगह पे आते हैं, एक पहाड़, एक प्यारी सी लेक जहां बस मैं खड़ा हूं, इतना प्यारा सनसेट था, और वहां पे मैं अपने दिल से बातें कर रहा हूं अपनी वीवी फैमिली से, सच में यार इससे ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे कहीं नहीं मिल सकती। जैसे मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग में कहा था कि इन 2 साल में बहुत कुछ बदल गया, आई लॉस्ट सो मेनी फ्रेंड्स, जो मेरे बहुत खास दोस्त थे उनके साथ अब मेरी फ्रेंडशिप नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन हाँ जो मेरे साथ कभी थे और मेरे खास दोस्त कुछ अभी भी हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि वो मेरे साथ अभी भी हैं। अमन काम्बोज, आई मिस यू ब्रो, काश तू भी इस ट्रिप में मेरे साथ होता, लेकिन ये सब बहुत अनप्लैंड था, एकदम से हुआ, और मुझे एक ब्रेक चाहिए था जहाँ मैं खुद को पहचान पाऊँ, खुद की पहचान बना पाऊँ। हे गाइस, इट्स 6:30 राइट नाउ, और हम लोग अभी देवरिया ताल टॉप पे ही है, थोड़ी सी भूख लगी थी तो इधर हमने मैगी खाई है, और अब हम लोग अपने कैंप की तरफ जाएंगे। इस व्लॉग को अभी एंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आप लोगों को कैंप की नाइट व्यू भी दिखाना है, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है, ऐसा मयंक भाई ने कहा है। सो इट्स 7:15 राइट नाउ, और फाइनली हम लोग कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं। कैंप का नाम है घोसला नेचर कैंप, घोसला नेचर कैंप। अभी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि कपड़े चेंज करूं क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, टेम्परेचर गिर चुका है, और बस अभी जो मेरी मदद कर सकती है वो है बॉनफायर। सो यस, वी आर डन विद द डिनर, और खाना बहुत टेस्टी था, थैंक यू मयंक भाई। Welcome, और welcome. अभी जिन्होंने खाना बनाया है ना उन भाई लोगों से भी हम कल सुबह आपको मिलाएंगे, वो भी बहुत थक गए, वो भी रेस्ट करेंगे, ऑल थैंक्स टू देम ओनली। तो मयंक भाई यहाँ तो जितने कपड़े पहनो उतना कम है, मतलब मैंने 2 इनर पहने, हाफ स्वेटर पहनी है, फिर ट्रैक सूट पहना है, फिर जैकेट पहना है, और सच में अभी भी ठंड लग रही है। बिल्कुल, अभी तो ज्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं गया है, रात को तो माइनस में चला जाता है, राइट, -3 -4 टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो कैंप्स के अंदर भी तो बहुत ठंड रहती होगी, एक बार जब वो जिप अप हो जाते हैं तो उसके बाद मतलब अंदर इतना फील नहीं होता, सर्कुलेशन नहीं होता एयर का, तो इसलिए गर्म रहता है टेम्परेचर। तो हम किस वाले कैंप में रुकने वाले, वैसे कौन सा कैंप सही रहेगा रुकने के लिए? कैंप सारे सही है, एक हमारे पास ये है अल्पाइन टेंट, ये भी बेस्ट रहेगा, बट इसमें वॉशरूम रात को बाहर जाना पड़ेगा, वॉशरूम रात को बाहर। तो इफ यू वांट कि वॉशरूम भी अंदर ही हो तो, हां मेरे को वॉशरूम भाई अंदर ही चाहिए, देन दिस टेंट इज सूटेबल फॉर यू। Come in. ये रूम तो बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा टेंट है भाई ये नीचे टाइल्स है क्या? हाँ ये मैट बिछी है प्रॉपर इसमें ताकि ठंड ना लगे। हाँ हाँ वॉशरूम में भी इसमें
प्रॉपर। अरे नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ, हैंड शार। बहुत प्यारा वॉशरूम है यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द वॉशरूम। मैं ऋषिकेश में कैंप में रुका था, तो उधर क्या था, वेस्टर्न वॉशरूम नहीं था। हाँ। एक साल पहले की बात होगी, और उधर बेड भी नहीं था। वो तगत होता है ना, मतलब बहुत लाइट लाइट वेट बेड होता है, और वहाँ टाइल्स भी नहीं थी, नीचे दरी बिछी हुई थी। तो उस हिसाब से यार यहाँ तो बहुत अच्छा है इधर रुकने के लिए। धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं अभी, और चीजें और एमिनिटीज ऐड करेंगे इसमें। अभी जैसे हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक केटल इसमें इंट्रोड्यूस कर दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है। यहाँ लाइट का भी पंगा नहीं, लाइट लाइट भी प्रॉपर रहती है। हाँ। यहाँ कभी कट आउट नहीं होता। एक काम करेंगे ना, तो बैकअप है हमारे एक पास। काम करेंगे सुबह सारे कैंप्स, मैंने सुना है मड हाउस भी है तुम्हारे, मड हाउस भी है बिल्कुल। तो अभी क्या करते हैं, अभी तो रात को शूट हो नहीं पाएगा, कल सुबह हम ये कैंप और वो मड हाउस अच्छे से अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे, ठीक है? और ट्रस्ट मी गाइस, ये काम करना है मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मेरा पैशन है यार। अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जर्नी अपनी वीएवी फैमिली के साथ शेयर करूँ। तभी तो मैं फैमिली बोलता हूँ आप लोगों को, सब्सक्राइबर्स कभी नहीं बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ जहां भी मैं जाऊँ आप लोग हमेशा मेरे साथ चलें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अभी इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे कल सुबह से। अभी के लिए मैं सो जाऊंगा, और कल इस प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ का मड हाउस दिखाऊंगा, बाकी के कैंप्स दिखाऊंगा, जिससे कभी मेरी वीएवी फैमिली इधर आने का प्लान करे तो वो यहाँ जरूर स्टे करे। तो गुड नाइट गाइस, सी यू टुमारो।